नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट। आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरियर एसी के बारे में, और जिसका कि मॉडल नंबर हम आपको बता देते हैं। इसका मॉडल नंबर है 14K 5 स्टार एस्टर CXI इन्वर्टर R32 स्प्लिट एसी विद कॉपर कंडेंसर। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप एसी परचेज करने का सोच रहे हैं तो ये एसी आपको क्यों परचेज करना चाहिए और ये एसी इतना शानदार क्यों है। पूरा डिटेल रिव्यू दोस्तों आज के इस वीडियो में होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों डिटेल में बातें कर लेते हैं अब इस एसी के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आप जान लें कि फ्लिपकार्ट से आप इसको अगर परचेज करना चाहते हैं तो जो लिस्ट प्राइस फ्लिपकार्ट पे इस एसी की है वो है 64,590 रुपीज़, और जो इसका प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगा वो है 38,999। तो अभी अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो 38,999 रुपये में उपलब्ध है। चलिए दोस्तों कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं, उससे पहले आपको ये एसी स्टार्ट करके हम दिखा देते हैं। तो ये दोस्तों आपको दिखाते हैं इस एसी को स्टार्ट करके, और एक साउंड आप सुने होंगे दोस्तों, आप देख लें ये एसी स्टार्ट हो गया है। और अगर इस एसी के बारे में थोड़ा स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें करें दोस्तों, तो इस एसी पर एक साल की वारंटी ओवरऑल प्रोडक्ट पे है। आप देख सकते हैं एयर फ्लो भी देखें आप, जबकि हमने जो टेम्परेचर सेट कर रखा है दोस्तों 30 डिग्री है, फिर भी आप एयर फ्लो देख सकते हैं। थोड़ा एयर फ्लो को महसूस करें दोस्तों, आवाज़ सुने आप। तो ये एयर फ्लो आप देख सकते हैं दोस्तों, बेहद ही शानदार है एयर फ्लो भी इसका। तो दोस्तों इस एसी पर आपको एक साल की वारंटी ओवरऑल प्रोडक्ट पर मिलती है, और 5 साल की वारंटी इसके पीसीबी पर मिलती है, और 10 साल की वारंटी आपको इसके कंप्रेशर पर मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों जो आप परचेस करेंगे तो आपको एक इंडोर यूनिट, एक आउटडोर यूनिट, इसके अलावा इंटरकनेक्टिंग पाइप्स, इंटरकनेक्टिंग वायर्स और जो यूज़र मैनुअल है वो मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो 3900 वाट कूलिंग कैपेसिटी है, और कंप्रेसर की बात करें इसके तो डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर है, और रेफ्रिजरेंट की बात करें तो R32 रेफ्रिजरेंट है। दोस्तों इस एसी का पावर कंजम्पशन है 1050 वाट। अब कुछ स्पेशल चीज़ें बताते हैं दोस्तों इस एसी के बारे में, और क्यों आपको परचेज करना चाहिए, और मैंने जब परचेज किया तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। दोस्तों ये कन्वर्टेबल एसी है, यानी कि 1.2 टन को आप 1 टन में कन्वर्ट कर सकते हैं रिमोट के माध्यम से, कूलिंग कैपेसिटी एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। और ये मैंने एसी को इंस्टॉल करा रखा है 110 स्क्वायर फीट का जो मेरा रूम है इसमें, और ये बेस्ट 110 स्क्वायर फीट के लिए है दोस्तों, लेकिन थोड़ा और बड़ा कमरा है वहाँ भी ये एडजस्ट हो जाएगा। दोस्तों कूलिंग कैपेसिटी की बात करें इसकी, तो जो ये टेम्परेचर रूम का ड्रॉप करता है वो 5 से 7 मिनट के अंदर दोस्तों डिज़ायर्ड टेम्परेचर पर पहुँच जाता है। ये रिमोट आप देख लें दोस्तों, ये आपको मैं रिमोट दिखा रहा हूँ, इसमें एक तकनीक दी गई है इस एसी में, और वो है फ्लेक्सी कूल। आप देख सकते हैं जो फ्लेक्सी कूल तकनीक है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 50%, 75% और 100%। अगर हम 50% करके दिखाते हैं आपको रिमोट से, ये देखें 50 वहाँ पर आप दिखा होगा, और वापस से हम रिमोट से इसको 75 करके दिखाते हैं आपको, ये देखें दोस्तों 75 हो गया, और वापस से इसको आप 100 पे ले जा सकते हैं रूम टेम्परेचर के हिसाब से, ये देखें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि फ्लेक्सी कूल तकनीक इसमें दिया गया है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो है फ्लेक्सी कूल। और कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों इस एसी के बारे में। दोस्तों इसका रिमोट भी आप देख सकते हैं, बेहद ही शानदार है। जनरली वाइट कलर में रिमोट मिलते हैं, लेकिन इसको आप देख सकते हैं दोस्तों जो सारे फंक्शंस हैं वो इसमें लिस्ट किए गए हैं इस रिमोट में। और साथ ही साथ इस एसी में दोस्तों PM2.5 फिल्टर है, ऑटो क्लिनजर है, और कूलिंग कैपेसिटी की तो हमने बात की दोस्तों। और जो सबसे बड़ा सवाल रहता है हम लोगों के माइंड में कि जब हम एसी को यूज़ करते हैं तो अगर हम 10 घंटे चलाते हैं, 5 घंटे चलाते हैं, 7 घंटे जो भी सुविधा अनुसार हम एयर कंडीशनर को चलाते हैं, तो जो बिजली का बिल हमारा आता है यानी जो पर यूनिट कंजम्पशन है वो क्या रहता है, तो इसके बारे में हम बातें भी करने वाले हैं। उससे पहले आपको थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप करके दिखाते हैं दोस्तों, और फिर एयर फ्लो भी चेक कराते हैं। अभी देखें 30 डिग्री पर टेम्परेचर सेट है, ये रिमोट में देखें दोस्तों आप, अगर आपको
टेम्परेचर कम करना है तो रिमोट में आप देख सकते हैं ये वाला बटन, ये देखें 29, और एक बहुत ही सुंदर म्यूज़िक भी सुनने को मिलता है आपको। आइए देखें, आपको एक बार चेक करा देते हैं, ये देखें 24 पर सेट करके छोड़ देते हैं इसको। ये देखें दोस्तों, ये 24 पर हमने सेट कर दिया है, और एयर फ्लो आप देखें, थोड़ा सुने दोस्तों एयर फ्लो इसका, जब हमने 24 पर सेट किया तब। तो दोस्तों बेझिझक अगर आप एसी प्लान कर रहे हैं, और हमने रूम साइज बता ही दिया है, तो ये एसी आप ले सकते हैं दोस्तों। बेहद ही शानदार कूलिंग, हम एसी क्यों परचेज़ करते हैं दोस्तों, कूलिंग पर्पस से ही परचेज़ कर सकते हैं। तो इसका डिज़ाइन हो या फिर कूलिंग हो, मैं प्रीफर करूंगा दोस्तों, और ब्रांड तो कैरियर है ही, इसमें कोई दो राय नहीं, एक बेहद शानदार ब्रांड है। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, और रूम साइज के हिसाब से अगर आप देखें तो 110 स्क्वायर फीट तक का कमरा है, तो ये एसी परफेक्ट है। और जो प्राइस हमने आपको स्टार्टिंग बताया था दोस्तों, तो प्राइस आप 38,999 रुपये फ्लिपकार्ट पे खर्च करके आप इस एसी को परचेज़ कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों पावर कंजम्पशन की हम बात कर लें इस एयर कंडीशनर के बारे में, कि ये एसी पर यूनिट अगर हम बात करें, जो मैक्सिमम कस्टमर्स जानना चाहते हैं कि अगर हम इसको एक घंटे चला देते हैं तो कितना हमको पर यूनिट कंजम्पशन होगा और बिल देना पड़ेगा, तो उसके बारे में थोड़ी बातें कर ली जाए। तो दोस्तों जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, और जो मैं इस एसी को यूज़ कर रहा हूँ, और जो मैंने रिकॉर्ड किया है जो बिजली का बिल और बाकी चीज़ें, तो उसमें दोस्तों ये जो पावर कंजम्पशन है इस एयर कंडीशनर का, वो एक घंटे में एक यूनिट से कम ही है, और कह सकते हैं दोस्तों बेहद कम है। और उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कि जो आप टेम्परेचर भी सेट करते हैं, टेम्परेचर सेट करने के बाद भी आपके पास फ्लेक्सी कूल का ऑप्शन है। आप देखें दोस्तों इस रिमोट में यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये नीचे देखें यहाँ फ्लेक्सी कूल मेंशन भी किया गया है, तो फ्लेक्सी कूल का ऑप्शन है दोस्तों। और फ्लेक्सी कूल आप कैसे कर सकते हैं, आपने जो टेम्परेचर 24 सेट कर दिया, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखें 50 पे हमने कर दिया, ये देखें दोस्तों ये हमने 50 पे कर दिया। अब 24 डिग्री पे सेट होने के बाद भी ये फ्लेक्सी कूल में सीधे आधा हो जाता है, लेकिन जो रूम की कूलिंग है वो बनी रहती है, और बेहद शानदार तरीके से बनी रहती है, काफ़ी देर तक कमरा भी ठंडा रहता है, यहाँ तक एसी बंद करने के बाद भी। तो दोस्तों आगे आप थोड़ा और चिल करना चाहते हैं तो 75 पे कर दें, मौसम ठीक ठाक है, रात का समय है, तो इसको 50 पे कर दें। तो इस तरीके से दोस्तों फ्लेक्सी कूल की मदद से इस एयर कंडीशनर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, और जो बिजली का बिल है वो भी आपके बजट में होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस एयर कंडीशनर के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी, वो आपको सही से समझ में आ गई होंगी, और आपको एक आइडिया हो गया होगा कि अगर आप एसी परचेज करने जा रहे हैं तो ये वाला एसी जो कैरियर का है, इसको आप कंसीडर करना चाहते हैं कि नहीं। मॉडल नंबर फिर से आपको बता दें, 14K 5 स्टार एस्टर CXI इन्वर्टर R32 स्प्लिट एसी कॉपर कंडेंसर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो देखने के बाद आप प्लान कर रहे हैं, या फिर आपके मन में कुछ सवाल है इस वीडियो से संबंधित, या इस एयर कंडीशनर से संबंधित, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताएं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक दोस्तों इस चैनल को प्यार दें। आइए दोस्तों आपको एक बार मिनिमम टेम्परेचर भी इस एसी का दिखा देते हैं। तो चलिए मिनिमम टेम्परेचर कितने तक जा रहा है वो भी आपको हम एक बार दिखा देते हैं। 23, 22, 21, 20, 19। एयर फ्लो आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 19 पे सेट है तो हवा का बहाव जो है वो तेज़ हो जाएगा, जो एयर कंडीशनर से एयर फ्लो हो रहा है। 18, 17, 16, 16 नहीं है दोस्तों, 17 तक ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।